हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों का शेयर किया हुआ है आइस क्यूब फॉर फेस। वैसे तो आइस के बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स होते हैं। आइस को 2 मिनट डेली चेहरे पर रब करने से बेहतरीन ग्लो और रेडिएंट स्किन मिलता है, क्योंकि आइस स्किन के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है, इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जैसे साइन ऑफ एजिंग, जैसे रिंकल, फाइन लाइन, वो सारी चीजें रिड्यूस होने लगती हैं और रेडिएंट स्किन मिलती है और साथ ही साथ बेहतरीन ग्लो चेहरे पर दिखाई देता है। और आज जो मैंने ये वाला आइस आपके साथ शेयर किया हुआ, ये मैंने बहुत यूनिक और इफेक्टिव इंग्रेडिएंट से बनाया है, जो कि एक्ने पिंपल को भी कम करता है, साथ ही साथ सन टैन, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करने के साथ साथ साइन ऑफ एजिंग को भी दूर करता है और देता है आपको रेडिएंट, यंगर लुक और ब्यूटीफुल और ग्लोइंग स्किन, क्योंकि मैंने इसको ऐसे खास और स्पेशल इंग्रेडिएंट से बनाया जो है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है, आइस क्यूब को इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करने और ग्लोइंग रेडिएंट स्किन पाने के लिए मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है खीरा यानी कुकुम्बर का, उस आइस क्यूब को बनाने। खीरा के बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स होते हैं। ये सन टैनिंग को रिमूव करता है आपके चेहरे पे, पिगमेंटेशन को भी हटाता है, साथ ही साथ साइन ऑफ एजिंग को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है, जिसकी वजह से ये आपके चेहरे से बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करके आपको ग्लोइंग और रेडिएंट स्किन देता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ इस्तेमाल किया कुकुम्बर का। मैं बेसिकली इसका जूस निकालूंगी। जूस निकालने के लिए आप चाहे इसको कस कर लीजिए या ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए, उसके बाद इसका छान के इसका जूस निकाल लीजिए। बस हमें इसका थोड़ा सा जूस चाहिए। तो यहाँ हमें बेसिकली ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, आधा कुकुम्बर में आपका आराम से जूस निकल आएगा। तो पहले हम इसका जूस निकाल लेते हैं। तो जब तक मैं इसका जूस निकाल रही हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नए हैं तो आप भी लाइक जरूर करें अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। देखिए, हम अच्छे इसको कस करके, मैं इस मेथड से निकाल रही हूं, कस करके फिर मैं इसका जूस निकालूंगी निचोड़ के अपने हाथों से। वैसे तो खीरा गर्मी में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, हेल्थ के लिए भी, स्किन के लिए भी। नॉर्मली आप इसका खीरे का जूस निकाल के उसका फेस पैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे एक फ्रेशनेस आती है और एक अच्छा सा ग्लो भी आता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कस कर लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से निचोड़ के इसका सारा जूस निकाल लूंगी। हमें बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका जूस चाहिए, जूस कैसे निकालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पहले हम जूस को अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेंगे। खीरा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके चेहरे पे, अगर आपका स्किन बहुत थका थका फील कर रहे हैं, आप बहुत थकावट फील हो रही है, जैसे लग रहा है कि आपका चेहरा बहुत टायर्ड है, तो उस समय पे आप इस खीरे के पेस्ट को मुल्तानी मिट्टी में, खीरे के जूस को मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करके लगाएं ना गाइस, तुरंत आपके चेहरे बहुत फ्रेशनेस फील होगा, आप काफी जो आपकी थकान होगी ना वो भी आपका ये दूर करेगा। खीरे का इवन यूज पफनेस को दूर करने के लिए, डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए, अगर आप आंखें काफी ड्राई है तो उस समय भी खीरे का इस्तेमाल किया जाता है आई की ड्राइनेस को दूर करने के लिए। पफनेस हो चाहे आपके एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होती हो, तब भी खीरा बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। खीरा आपको इंस्टेंट ग्लो देने के साथ साथ काफी फ्रेश आपको फील होगा और ड्राइनेस तो डेफिनेटली दूर होगी। अगर आपका पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन आपके चेहरे पे और बहुत सारे रेमेडीज इस्तेमाल कर चुके आपको नहीं इफेक्ट हो रहा है, तब भी आप खीरे के जूस को आप चेहरे पे रब करेंगे, लगाएंगे कॉटन से ना, तो वो भी पिगमेंटेशन भी आपका दूर होगा, सन टैनिंग भी दूर करता है, सनबर्न जो होता था हमारे चेहरे पे इसको भी जल्दी रिड्यूस करता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे जूस इसका निकाल लिया है। अब हमें इस जूस के साथ क्या करना है, इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे आइस क्यूब बनाने के लिए। सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन आपको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में डालना है, कि देखिए गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे तो चेहरे पे ऐसे ही, जब क्योंकि हम जब आइस को रब करते हैं ना तो हमारा चेहरा काफी ड्राई हो जाता है, इसका बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो उसका और भी ड्राई हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन का। ज्यादा नहीं ऐड करना है, बहुत थोड़ा ही क्वांटिटी में इस्तेमाल करना ग्लिसरीन का। उसके बाद हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को हमें ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। जितना आपने ग्लिसरीन ऐड किया था उसका डबल बेसिकली हमें इस्तेमाल करना है इसमें एलोवेरा जेल का। जो भी ब्रांड आपको सूट करता है वो ब्रांड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मुझे एलोवेरा सूट नहीं करता तो मैं इस्तेमाल करूं या ना करूं। गाइस देखो, जो हम कोई चीज बनाते हैं ना, उसमें जो थोड़ी क्वांटिटी डालते हैं तो उससे आपके स्किन पे उतना इफेक्ट नहीं करता है। आप जब भी पेस्ट बना रहे हैं, क्रीम बना रहे हैं, फेस पैक बना रहे हैं, तो उसमें अगर थोड़ी क्वांटिटी में आप डाल भी रहे हैं तो उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, इवन आपके स्किन के लिए और भी ज्यादा वो इफेक्टिव ही होगा, क्योंकि उसमें हम और भी सारी चीज मिक्स करते हैं तो उसके साथ उसका इफेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। बिना झिझक, बिना टेंशन
के इस्तेमाल कर सकते हैं, बस थोड़ी क्वांटिटी में आपको ऐड करना होता है। तो सारी चीजें हमने मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसको आइस क्यूब जिसमें आप जमाते हैं उसमें इसको इस तरीके से डाल करके इसको फ्रीजर में डाल देना है ताकि ये जम जाए। 3 घंटे में आराम से ये आपका तैयार हो जाएगा। इसको जमा लीजिए। जमाने के बाद आप इसको देखिए, कभी भी इसको आप जमा के रखिए, दिन में डे में आप इसको इस्तेमाल करिए और जब तक आपकी स्किन है ना बिल्कुल रेडिश ना हो जाए। देखेंगे आप रब करेंगे 1 से 2 मिनट अच्छे से चेहरे पे रब करेंगे, आपकी स्किन जो है काफी रेड होने लगेगी। आप इसको छोड़ दीजिए। देखिए फ्रिजर में डाल दिया, हमारा जम के बिल्कुल तैयार हो गया। कितना बेहतरीन जमा है, कलर भी कितना सुंदर आया इस आइस क्यूब का, कलर देख के ही मजा आ जा रहा था। और गाइस काफी इफेक्टिव होता है, आप नॉर्मल भी मतलब नॉर्मल वाटर का भी आप अगर अपने चेहरे पे स्क्रब करते हैं ना, ऐसे एक्सफोलिएट होती है आपकी स्किन, स्क्रब होती है जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल है आपके चेहरे पे वो इम्प्रूव होता है। साइन ऑफ एजिंग, एक्ने पिंपल पे भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। गर्मियों में आपकी स्किन को हील भी बहुत जल्दी करता है। तो देखा कितना सिंपल था इसको बनाना, बहुत सिंपल था, बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। स्टोर करिए और इस्तेमाल करिए। समर में आप इसको बेझिझक बना लीजिए और स्टोर करके आराम से इसको इस्तेमाल करिए। बस रब भी करना है आपको, 2 से 3 मिनट को चेहरे पे अच्छे से रब करना है। बहुत अच्छे से स्क्रब करते हुए आप इसको, सारा आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा, आपको छोड़ देना है। वॉश आपको चेहरे को बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है बस। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करेगा, शेयर करेगा सबके साथ। तो मिलती है नेक्स्ट डे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।